आपका कोई भी एक छोटा सा आइडिया आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है और आप अपने जीवन में अगले स्तर पर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं जब भी कोई व्यक्ति अपने बिजनेस को डेवलप करना शुरू करता है तो उसके माइंड में एक पॉजिटिव अप्रोच होती है कि मुझे कुछ बेहतर करके दिखाना है, मुझे बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करनी है, मुझे बहुत ज्यादा टर्नओवर करना है, मुझे ना केवल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पूरे भारतवर्ष में और ना केवल पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व तक अपने बिजनेस को ले जाना है। हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच रखता है, लेकिन क्या कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे हो पाते हैं कि हर बात वो जैसा सोचता है वैसा वो कर पाए। एक छोटी सी घटना के माध्यम से बताता हूं। एक व्यक्ति 25 वर्ष की उम्र में अपना करियर शुरू करता है और करियर के उतार चढ़ाव को देखते हुए निरंतर बिजनेस में आगे बढ़ना शुरू करता है और जैसे जैसे वो बिजनेस में आगे बढ़ता है उसका टर्नओवर बढ़ता है और टर्नओवर बढ़ने के साथ साथ उसकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ती है वो व्यापार के बड़े बड़े रिस्क लेना शुरू करता है और जैसे जैसे बड़े बड़े रिस्क बिजनेस में लेना शुरू करता है उसका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। जब उस व्यक्ति का बिजनेस बढ़ने लगा तो लोग उसको मिलने लगे और कहने लगे कि आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। धीरे धीरे लोग आने लगे, फाइनेंसर आने लगे, इन्वेस्टर्स आने लगे और लगातार कंपनी का प्रारूप बड़ा होता चला गया और धीरे धीरे वो कंपनी जो कुछ लाख से शुरू हुई थी कई हजार करोड़ की कंपनी बन गई। और दोस्तों, जब बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है तो उस कंपनी का टर्नओवर बड़ा होता है, उसकी सेल्स बड़ी होती है, उसकी मार्केटिंग बड़ी होती है, उसकी ब्रांड वैल्यू बड़ी होती है। लेकिन अर्थव्यवस्था में अचानक मंदी आ गई। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके बिजनेस में अभी तक मंदी नहीं आई है? शायद कोई भी नहीं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है या जैसे जैसे इकोनॉमी में डेवलपमेंट होता है या परिवर्तन होता है या डिमांड घट जाती है तो हर एक बिजनेसमैन को एक समस्या का सामना करना पड़ता है और वो होती है व्यापार में मंदी। ये मंदी होती क्या है? रिसेशन होता क्या है? रिसेशन केवल इतना ही होता है कि जितनी सेल हम रूटीन में करते थे उससे हमारी सेल थोड़ी सी घट जाती है। मंदी का केवल एक ही मतलब होता है कि जितनी सेल आप रूटीन में करते थे आपकी उतनी सेल नहीं हो पा रही, आपकी सेल थोड़ी घट गई और सेल बढ़ाने के लिए आप कोशिश करते हैं और एडवर्टाइज करते हैं लेकिन रिस्पांस नहीं मिलता, फिर आप कंपटीशन के इस दौर में अपने प्राइजेस को थोड़ा सा कम करते हैं। मंदी को फाइट करने के लिए हमारे पास एक ही रामबाण इलाज होता है और वो होता है अपने प्राइस को घटाना। मंदी के दौर में जैसे ही अपना प्राइस रिड्यूस करते हैं हमारा प्रॉफिट भी घट जाता है और जैसे ही प्रॉफिट घटता है तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कभी भी नहीं घटता, वो हमेशा मंदी हो या तेजी, काम कम हो या ज्यादा, लगातार बढ़ता रहता है। अगर लगातार ना भी बढ़े तो ऑन एन एवरेज पर ईयर 10% तो बढ़ता ही है। मंदी होने के बावजूद भी आपने अपने प्राइस को कम किया, प्राइस करने कम करने के बाद आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी रही, आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस उतनी रहे, केवल आपकी सेल घट गई। सेल को अचीव करने के लिए आपने प्राइस और कम किया और अचीव करने के लिए और कम किया और करते 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 आप इतने नॉमिनल प्राइस पर आ गए कि उसके बाद आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस को बेयर नहीं कर पा रहे थे। ठीक उस कंपनी के साथ भी ऐसा हुआ। कई हजार करोड़ का टर्नओवर करने के बाद जब उस कंपनी का पूरा बिजनेस इतना रह गया कि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस सरवाइव करते जा रहे थे, धीरे धीरे करते करते उनकी इनकम इतनी रह गई कि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी बियर नहीं कर पा रहे थे, धीरे धीरे कंपनी घाटे में चली गई और घाटे में जाते जाते एक दिन वो कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई। आप में से शायद कई बार जीवन में कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि उनका बिजनेस इस लेवल पर आ गया कि आज हमें बिजनेस क्लोज करना ही पड़ेगा। दोस्तों, जब बड़ी कंपनी बंद होती है तो उस देश के, उस राज्य के, उस जिले के सारे प्रतिष्ठित लोग जब उस कंपनी की नीलामी होती है तो उन चीजों को खरीदने के लिए वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। जब उस व्यक्ति की कंपनी नीलाम हो रही थी तो सबसे पहले देखा मर्सिडीज बेंज कार खड़ी हुई थी। नीलामकर्ता ने कहा कि क्या कोई व्यक्ति इस मर्सिडीज बेंज को खरीदेगा? नीलामकर्ता ने कहा क्या कोई व्यक्ति इस मर्सिडीज बेंज को खरीदेगा? इसकी कीमत 10 लाख रुपए। एक व्यक्ति ने कहा 10 लाख, एक व्यक्ति ने कहा 15 लाख, एक व्यक्ति ने कहा 20 लाख, एक व्यक्ति ने भीड़ में से कहा 25 लाख। 25 लाख के बाद कोई नहीं बोला।
नीलाम करता ने कहा 25 लाख 1, 25 लाख 2, 25 लाख 3, और वो मर्सिडीज बेंज बिक गई। ऐसा करते करते उस व्यापारी की बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, बंगलो, गाड़ी, सब कुछ नीलाम हो गया। और सब कुछ नीलाम होने के बाद नीलाम करता उस कबाड़े को भी नहीं छोड़ते जो साइड में पड़ा होता है, क्योंकि उनका उद्देश्य अपने पैसे वसूल करना होता है। नीलाम करता ने साइड में देखा, बहुत सारा घर का सामान पड़ा हुआ था और वहां पर कोने में एक सितार पड़ा हुआ था। नीलाम करता ने सितार की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया, और मुस्कुराने के बाद उस नीलाम करता ने एक व्यंग कसा, सितार को देखकर कहा कि क्या कोई व्यक्ति सितार को 500 रुपया, 100 रुपया या 50 रुपये में खरीदेगा? ध्यान से सुनिएगा, नीलामी का एक नियम होता है कि नीलामी में हमेशा कीमत बढ़ती है, लेकिन नीलाम करता ने व्यंग कसा, कहा कि क्या कोई व्यक्ति इस सितार को 500 रुपया, 100 रुपया या 50 रुपये में खरीदेगा? पूरी भीड़ में, प्रांगण में लोग बैठे हुए थे, भीड़ में सबसे पीछे बैठा हुआ एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया कि सर, एक बार मुझे 5 मिनट का मौका दिया जाए और दोबारा से सितार की कीमत लगाई जाए। वो व्यक्ति भीड़ से चलकर सामने आया, उसने पॉकेट से अपना रुमाल निकाला, सितार को अच्छे से साफ किया, एक एक तार को सेट किया, एक एक तार को ट्विन किया। ट्विन करने के बाद उस व्यक्ति ने सितार बजाना शुरू किया। 5 मिनट लगातार सितार बजाने के बाद उस व्यक्ति ने इतनी बेहतरीन मधुर धुन बजाई कि भीड़ में बैठा हर व्यक्ति उस धुन में खो गया, और हर व्यक्ति ये बात भूल गया कि वो किसी कंपनी के सारे प्रोडक्ट और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की नीलामी में आया है। 5 मिनट तक सितार सुनने के बाद जैसे ही सारे लोग उस धुन में बिल्कुल मदहोश हो गए, बिल्कुल क्लाइमेक्स पर आ गए, उस व्यक्ति ने चुपचाप सितार वहीं रखा और भीड़ में जाकर पीछे बैठ गया। वो नीलाम करता जिसने व्यंग कसा था कि क्या कोई व्यक्ति इस पुराने सितार को 500 रुपए, 100 रुपए या 50 रुपए में खरीदेगा, उसका चेहरा देखने लायक था, क्योंकि उसने सितार की काबिलियत को कम समझा। नीलाम करता ने फिर से कहा कि क्या कोई व्यक्ति इस सितार को 500 रुपया, 1000 रुपया या 2000 रुपए में खरीदेगा, क्योंकि उसका सोचने का नजरिया और दृष्टिकोण पूरा बदल चुका था। नीलाम करता ने कहा कि क्या कोई व्यक्ति इस सितार को 2000 रुपए में खरीदेगा? एक व्यक्ति ने हाथ उठाया, कहा 5000, बोली चलना शुरू हुई। दूसरे व्यक्ति ने कहा 8000, किसी ने कहा 10000, किसी ने कहा 20000। भीड़ में बैठे एक व्यक्ति ने कहा कि इतना बेहतरीन सितार क्या 20000 में बिकेगा? ये सितार मैं 50000 रुपए में खरीदता हूं। नीलाम करता ने कहा 50000 1, 50000 2, 50000 3। जो सितार जिसको कोई व्यक्ति 50 रुपए में खरीदने के लिए तैयार नहीं था, उस व्यक्ति ने वो सितार, उसकी गुणवत्ता, उसकी काबिलियत के बारे में बताकर उस सितार को 50000 रुपए में दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। जब वो सितार 50000 रुपए में बिका, तो उस व्यक्ति ने जिसने सितार बजाया था वो दोबारा खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं इस कंपनी का मालिक हूं, मैं इस कंपनी का मालिक हूं। जहां पर एक व्यक्ति की सारी संपत्ति नीलाम होने की अवस्था पर आ गई, जहां पर खड़े होकर लोग ये सोचते हैं कि अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब तो मेरा काम बर्बाद हो गया, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, उस अवस्था में भी वो व्यक्ति एक मधुर धुन बजा रहा था। आप क्या सोच सकते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जो उस समय बहुत ज्यादा परेशान हो? आप कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते। लेकिन उस व्यक्ति ने खड़े होकर बात कही कि आज मैं एक बात को समझ गया, यदि आप किसी भी चीज की काबिलियत और गुणवत्ता के बारे में किसी भी व्यक्ति को क्या लाभ हो सकता है इसके बारे में बताएं, तो शायद आप अपने प्रोडक्ट को बहुत आसानी से बेच सकते हैं। और वहीं बैठकर उस व्यक्ति ने सभी के सामने कसम खाई कि आने वाले कुछ वर्षों में जो मेरी कंपनी कई 1000 करोड़ तक पहुंची थी, उस कंपनी को दोबारा खड़ा करके मैं इससे भी बड़ी कंपनी बनाऊंगा। और उस व्यक्ति ने जिस कंपनी का निर्माण किया, उस कंपनी का नाम है क्विकर। हैव यू हियर द नेम ऑफ क्विकर? दोस्तों, क्विकर क्या काम करती है कि किसी भी वस्तु की, पुरानी वस्तु की काबिलियत के बारे में बताकर, उसकी गुणवत्ता के बारे में बताकर, उसका यूज बताकर, उसको किसने इस्तेमाल किया इसके बारे में बताकर अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल कराती है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने पुराने सामान को बेचना चाहता है, तो वो उसकी फोटोग्राफ खींचकर, उसके डिटेल लिखकर क्विकर पर अपलोड करता है, और जिस व्यक्ति के लिए वो चीज
किसी के लिए खराब चीज हो सकती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वो चीज बहुमूल्य हो सकती है। उसकी कीमत को कबाड़ की कीमत की अपेक्षा कई गुना कीमत में आगे बेचने का काम करती है।